आज मैं बनाने वाला हूँ शोना के लिए चाइनीज फूड, क्योंकि कल उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा डिनर बनाया था। तो आज मैं सुबह से उठा हुआ हूँ सिर्फ उनके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर किसी को नूडल ज़्यादा पसंद है ना, तो एक बार मेरे कहने पे ये वाली नूडल ट्राई करना। चलो आप देखना मत प्लीज, ठीक है? आंखें बंद रखना, आप ओपन कर लो आंखें। बताओ कैसे लगा? ये सब क्या बनाया है आपने? खुद बनाया? झूठ मत बोलना। हाँ, खुद बनाया है। ये क्या है? ये खा के देखो। गाइज, मेरे मुंह में पानी आ गया बहुत ज़्यादा, और आज मुझे इसलिए इतना स्पेशल ट्रीट कराया जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत है थोड़ी ख़राब। वो मैं आपको बताऊंगी जैसे ही मैं ब्लॉग में आप सबके सामने आऊंगी। और जिस जिसके मेरे मुंह में इतना पानी आ गया, मेरी स्क्रीन पे इतना ज़्यादा थूक दिख रहा है आपको तो पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और यार, ये इसका नाम तो बताओ। आप इसको खा के देखो, आपको पता चलेगा। ये तो मुझे पता है क्या है, बस खाती हूँ गाइज और फिर आती हूँ और मिलती हूँ, और जिस इंसान ने ये बनाया उसको भी आपसे मिलवाती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तुझे छोड़ूंगी नहीं हर बार। 365 डेज 365 व्लॉग्स में पूरा साथ दिया मेरा। वूफी ने मेरे हर व्लॉग को खराब करने में करंट मार रहा है। वूफी नीचे जाओ, आपको पता है ना मैं बीमार हूँ, जाओ नीचे। तो गाइज, जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो थोड़ी सी तबीयत इसलिए खराब हो गई क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंगो खा लिए, बहुत 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 ज्यादा, और मेरे टमी में थोड़ी सी गर्मी बन गई थी ऐसा मम्मा ने बोला, क्योंकि मुझे लूज मोशंस और हल्का सा फीवर हो गया था। बट अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा आईज में से बार बार पानी आ रहा है, वो मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं प्रैंक। लेकिन ये वाला प्रैंक होने वाला है एक नए बकरे पे, बकरा नहीं बोलते, एक नए पर्सन जो है विवेक। और विवेक के साथ प्रैंक करने के लिए मुझे कई कमेंट आए थे, क्योंकि मैंने सभी के साथ ऑलमोस्ट प्रैंक कर लिया है, बस विवेक ही बाकी था। तो आज भगवान ने भी मेरा साथ दिया और मेरे टाइम ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि आज विवेक का मुझे कॉल आया, कहता मुझे थोड़े से कपड़े दिला दे ज़ारा से, क्योंकि तेरी पसंद थोड़ी अच्छी है हम सब में, तारीफ। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं तेरे को कपड़े दिला दूंगी। तो अभी उसने हमें टाइम दिया था कि मैं 6 बजे तेरे घर पे आ जाऊंगा, तब तक तू मुझे रेडी मिल लो। तभी मेरे और साहिल के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया कि हम करेंगे उसके ऊपर एक प्रैंक, और ये प्रैंक एग्जीक्यूट करने के लिए मैं पहले ही सारा सामान ला चुकी हूँ, आप देख लो। ये मत देखना, ये पहले इसको खाऊंगी, एनर्जी आएगी, फिर पट्टियाँ बांधूंगी जिससे भाई को लगे कि इसको चोट लग गई है, कुछ हो गया है। साहिल उसको ये बोलने वाले कि वॉशरूम में गिर गई है। अभी ये बोला था जल्दी जल्दी रेडी हो जाता, मैं रेडी तो हो ही गई हूँ, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम इस प्लान को कैसे ही आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि पास्ट में आपने देखा कि हमने काफ़ी रिलैक्स किया, और मेरी कार को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गई थी उसमें, तो मैंने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, नहीं तो मैं 3-4 दिन तक बहुत सैड रहती। मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिप प्लान कर लूँ, इससे एक तीर से 2 निशाने हो गए, काजल का भी सेलिब्रेशन हो गया और मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो गया। तो हमारी कार जल्दी आएगी, और चलो तो इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं और पट्टियाँ शट्टियाँ करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ और उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। अपना विवेक को बताना नहीं है, ठीक है? इधर देखो, विवेक को बता। हाँ ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस माय बॉय। चलो चलो, तो अभी पट्टियाँ बांधते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बांधने वाली हूँ। गर्मी ज्यादा ही हो गई है। मुझे जाना यार, करने दे प्लीज। सो गाइस, अभी मैं पट्टियां बांधने वाली हूँ और इसमें मेरी हेल्प करेंगे साहिल और मुफी। मुफी इसको फाड़ने में हेल्प करेगा और साहिल इधर आओ, इधर आओ, मुफी कम आओ। उसे लग रहा है कुछ खाने पीने का सामान है, पर ऐसा नहीं है। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर जाओ, उधर 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 जाओ। पहले कहाँ बांधी है? हाथ पे बांधते हैं। मुझे लगता है मैंने अच्छे से खुद से ये पूरी पट्टी बांध दी है, तो हो गई साहिल, है ना? अच्छी क्या है? अच्छी लग रही है। चलो अब ये गर्म पट्टी कहाँ बांधोगे? पैर पे। थोड़ी सी जींस ऐसे कर लेता हूँ।
मजा तो आने वाला है, वैसे एक्साइटमेंट तो होती है जब प्रैंक करते हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि भाई बहनों के सामने बहुत जल्दी हंसी निकल जाती है, तो मुझे यही लग रहा है उसको देखते ही ना हंस पड़ू मैं और खुद का ही ना पागल बन जाए। तो गाइस हमारे पैर की भी पट्टी बन चुकी है, हाथ की भी पट्टी बन चुकी है, मुझे नहीं पता कैमरा इतनी दूर है तो आपको दिख रहा है या नहीं, 400 लगा देते हैं, अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि उनको 400 पे पता चल जाएगा कि दोनों किसने भी प्रैंक कर रहे हैं, हाथों पे और पैरों पे ठीक है। सो गाइस हमने बहुत सोचा और बहुत ही ज्यादा सोचा और उसके बाद फिर हमने यही सोचा कि हम 400 भी बांध देते हैं, इससे थोड़ा सा लगता है बंदे को चोट लगी है। सो गाइस मेरे हाथ पे चोट है, मेरे पैर पे चोट है और मेरे सर पे चोट है, तो यहाँ रेड रेड भी कर देते तो मजा आ जाता है। करूँ? मैंने मंगाया है बीटाडीन। बीटाडीन? हाँ बीटाडीन से ही तो होता है। हाँ कर दो येलो येलो, हाथ पे भी कर दो और उस पे भी कर दो 400 पे, तभी तो कुछ पता लगेगा आपके वाले ब्रांड में भी तो कुछ थोड़ा ऐसी भय। यार डर तो लगता ही है इतनी सारी पट्टी देख के, है ना, कहीं ज्यादा नहीं है ना लग रहा है। हेलो ब्रो, आपको ऊपर आना पड़ेगा। अरे नहीं, जब आपने बोला ना कि तैयार हो जाना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी में नहाने गए और गिर गए। स्पीकर पे लगा के भी आवाज नहीं आई है, साहिल के फोन में इतनी कम आवाज है यार मेरा। देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ सब सही से, ऊपर मेरे जो टीम मेट है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, मैं क्या ही करूँ। कैमरे को सेट करो, उधर रख दो जिधर पीछे, वो मेरी लाइट है। तो गाइस कैमरा हमने सेट कर दिया है, विवेक को हमने कॉल कर दिया, वैसे हमने नहीं किया, उसका खुद ही आ गया था, अब वो जैसे ही ऊपर आएगा। हेलो क्या हो गया? अरे प्रैंकस्टर तैयार होके गिर गया तिप्पी यार, तू तो फिर तैयार क्यों हुई तू? इतनी चोट मतलब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तुझे तो हॉस्पिटल सिर पड़वा रखा, पैर भी हाथ भी सब पे बड़े कपड़े पहन के। अभी तो यहाँ कह रही थी वहाँ पूरे पैर भी दर्द है यार, शर्म नहीं आ रही जरा सी, मुझे दुख हो रहा है, मैं इधर दुख में बैठी हूँ। ये क्या रखा है? कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पाई, डॉक्टर ने दिया था तो मैं नहीं जा पाऊंगी यार शॉपिंग पे, अब क्या करूँ, मेरे हाथ पैर में जा रहा, इसमें तो टाक ही आया हाथ में, सिलाई विलाई चली है क्या? ताके ठुंके बता रही है यार, तो मेंटल है क्या? इतनी बड़ी चीज हो गई, तूने बताया नहीं, मैं फोन करके गिरी तो ले गए हॉस्पिटल और फिर आ गई वापस तुरंत गई, इतनी कोई इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले गए चोट है मन के, गाड़ी तो दी कैब से। अच्छा, कैब का वेट करना पड़ा आपको 15-20 मिनट का होता है? ये पहले गिरी,
मेरी तैयारी फिर हॉस्पिटल गए। देख मैं मान लेता अगर तैयार हुई ना बड़ी होती ना, अगर तैयार ना होती ना मैं मान लेता तो तैयार होगी। मैं कैसे जाती पट्टी कराने? अटले इतना तैयार होगी आज में कि जैसे चोट लगती है वो वैसे ही चला जाता है उठ के एकदम कि भाई चल पहले ट्रीटमेंट करा। अब कुछ हो नहीं सकता क्या? अब लग गई लग गई। डॉक्टर कौन था कि झोला छाप रहा है बट लोकल पट्टी कर रखी है लेकिन रे प्रोफेशनल पट्टी प्रोफेशनल दर्द नहीं है। मैंने पेन किलर ले रखा है ना, हैवी डोज ले रखी है डबल। सब चेक हो गया हमारा, सब चेक कर लिया डॉक्टर ने मना किया है। हाँ वहां से दर्द होगा ना। समझ नहीं आ रहा क्या की समझदारा मैं क्या कर सकती हूँ, फिर सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे सोना पड़ेगा सब। अरे आप तो एक घंटा बचा भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, बंद हो जाते हैं जल्दी करो तो मुझे को बड़ा तू हंस भी रही है मैं टच कर रहा हूं तू गलत टच कर रहा है वहां दर्द नहीं है, दर्द में आ यहां है नीचे 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 यार यहां पे इधर हां यहां पे यहां तो कभी मुड़ता ही नहीं पैर। यार डॉक्टर है क्या ये? डॉक्टर है, यहां नहीं मुड़ता वहां नहीं मुड़ता, यहां टाके नहीं लगते यहां सर पे नहीं लगती। मेंटल आदमी किसी के चोट लगी है उसे सिंपति तो देने से रहा और हंस रहा है बैठ के, तेरे से उम्मीद नहीं थी मुझे भी नहीं थी तेरे से। यार बताओ तैयार तो मैं ऑलरेडी थी, मैं गिरी तैयार। ये कह रहे नहाते हुए गिरी है जल्दी जल्दी में, तुमने इतनी जल्दबाजी कर रखी थी। तेरे को एक घंटे पहले कहा था कि दस, तूने कहा दस मिनट में आ जा, मैं फिर भी एक घंटे में आया। चलो ऐसे ही चल लेती हूँ ऐसे टोंडी पोंडी का तो लेके नहीं जाएंगे मॉल में। मुझे कोई इतना दर्द नहीं है, पेन किलर ले रखी है ना, चल मॉल वाले बोले सारे बड़े कमीने लोग हैं, टूटे फूटे भी ले शॉपिंग करा देते हैं। चल हां मैं चल लूंगा, कहां चल, कोई दिक्कत नहीं है ये भाई। पैर मुझे जो है ऐसे करके चलना पड़ेगा, ऐसे लेके जाएंगे ऐसे। एक जना उधर से हाथ ऐसे उठा लो इसका, आदित्य एक सिर पकड़ लो, सिर पे तो फटा हुआ है। हंसने की बात नहीं है, चला अब रो तो पहले ऐसे वहाँ पब्लिक शॉपिंग छोड़ के हमारा ड्रामा देखेगी मॉल में। नहीं जा नहीं पाऊंगी। क्या कर सकते बहुत दुख हुआ गाजर मुंह पे जब इसने मेरी पट्टियां बंदी देखी ना बहुत, और भाई जब मैं गिरी तब भी बहुत रहा, सिर्फ एक यही था जिसने मुझे रियल वो बताई कि हाँ तू इम्पोर्टेंट है। फिर डॉक्टर के पास भी यही गया वो लेके, इसने सब बताया हुआ अंकल यहाँ आया से ऐसे। तो ऐसे क्यों कर रहा, तुझे मजाक चल रहा है यहाँ पे हाँ, क्योंकि आपकी सिर की पट्टी है पट्टी इतनी पागल, वो पट्टी ज्यादा दिख रही है ना इसलिए ऐसा लग रहा है। चोट नहीं है मतलब? चोट तो है थोड़ी थोड़ी। पता नहीं नहाते हुए गिर पड़ी, ब्रश कर रही थी बाथरूम पे, स्लिप हो गई, पोटी कर रही थी, पोटी करते हुए गिर पड़ी। मुझे दे कमोड, पापा समझ गए। इतने क्यों फोन करा, आपको इतना बढ़िया प्रैंक चल रहा था, आपने तो पसीने भी आ गए, ये तो पागल है। तो
गलत कर दिया तू। वो मेरे चक्कर क्या हो गया सर, रोने लग गई। मुझे लगा मगर कम लगी है, पर ज्यादा करके दिखा रही है, पर इसका कुछ भी नहीं लगी। इसने सारा प्लान खराब कर दिया गाइस, मम्मी को वीडियो कॉल करके, और मम्मा रोने लग गई। तो अब मैं इसे आगे नहीं कर रही हूँ। हाथ में तो मेरे डेफिनेटली चोट लगी ही लगी है, तो पट्टी नहीं उतारूंगी और पैर की उतार देती हूँ। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं ये प्रैंक विवेक पर कर पाऊँ, पर ये बहुत तेज चतुर चलाक आदमी है। हमने पहले ही बताया था कि विवेक पे करना थोड़ा मुश्किल होगा। तेज चतुर है दीप्ति, जिसने मेरे दो बार मार खा के चेक करा और इन्हें पता लग गया था ये प्रैंक है। पर मम्मी की वजह से प्लान हमें यही रोकना पड़ेगा, प्लान नहीं प्रैंक। और अभी जा रही हूँ इसके साथ शॉपिंग करने, और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। दीप्ति की बात एक बार मेरे को अच्छी लगी कि स्क्रिप्ट खत्म होते ही अपने बैठ जाएंगे। चलो गाइस, so अगर ये प्रैंक आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं विवेक के साथ एक और चैलेंज करने वाली हूँ, जो आपको देखने को मिलेगा कल, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहे, बाय। वो तैयारियां कर रहे हैं।